अग्रवाल जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे बगल के क्षेत्र से लगे हुए माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर सुधीर सैनी जी, श्री वीरपाल जी अध्यक्ष जिला पंचायत मुजफ्फरनगर, श्री राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री जिला पंचायत हरिद्वार के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी पूर्व विधायक, उमेश मलिक जी पूर्व विधायक, प्रमोद अटवाल जी, श्री सत्य प्रकाश जी अभी अभी उत्तराखंड सरकार में जिनको दायित्व तो मिला है, बहन मधु भट्ट जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और जिनका मुजफ्फरनगर की धरती से बहुत पुराना संबंध रहा है, आदरणीय राजेंद्र अंथवाल जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिला अध्यक्ष आरणी शोभाराम प्रजापति जी, श्री गौरव कौशिक जी, श्री सागर गोयल जी एवं यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय बाल्यान जी समेत बहुत सारे हमारे सभी मंचासीन, सभी गणमान्य और आए हुए सभी उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सभी गणमान्य, सभी उपस्थित भाइयों बहनों एवं संस्कृति विभाग के हमारे सचिव श्री हरीशचंद सिमवाल जी और बीना भट्ट जी, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो हमारे आंदोलनकारियों द्वारा जो राज्य निर्माण के लिए सही गई कठोरतम पीड़ाओं में से एक इस धाम पर आयोजित, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा धाम जहां पर राज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ाएं, क्रूरतम तमाम प्रकार से यहां पर लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने जिसको सहन किया, उसकी बरसी के अवसर पर मैं एक एक आंदोलनकारी को, एक एक शहीद के परिजनों को, शहीदों को, सबको मैं आज इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनाने के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान जितने जख्म मिले, उसमें से अगर कोई सबसे बड़ा जख्म था, सबसे गहरा जख्म था, जो आज भी इतने लंबे कालखंड के बाद भी 2 अक्टूबर 1994 से लेकर आज तक लगातार ये 30वां वर्ष होने को है, लगातार हम प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बरसी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे गहरा जख्म था जो कभी भरा नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आप सब जानते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे उत्तराखंडियों को ये घाव ये आज तक नहीं भरा और प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। पिछले वर्ष हमारे महेंद्र भट्ट जी, इनकी पूज्य माता जी, इस पूरे आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया था, आप गत वर्ष बहुत भावुक हो गए थे और इस राज्य आंदोलन का आंदोलन में जो रामपुर तिराहा कांड में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में रविंदर रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी और राजेश नेगी जी, ये उनकी शहादत हुई, उनकी शहादत की बदौलत ही ये उत्तराखंड राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर उनको भी नमन करता हूँ। इसके साथ साथ जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ, जहाँ मैं भी पला बड़ा, जहाँ से आया, मैंने स्वयं 1 सितंबर 1994 के उस गोलीकांड को, उस आंदोलन को देखा, कितनी बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, किस तरह से अपने पैरों के नीचे आंदोलन करने वालों को कुचल दिया गया, वो बहुत ही
दर्दनाक दृश्य था और उसको हमने अपनी आंखों के सामने देखा। हजारों हजार आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से गोलियां और लाठियां चलाई गई, उसकी परिणति हुई कि अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके ठीक एक माह बाद दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर, उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर तो हमने, जहाँ उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे, हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से उत्तराखंड में कहीं खाता भी नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड की जनता उसको हमेशा एक जख्म के रूप में मानती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे रामपुर तिराहा कांड की जो जांच के आदेश दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भाई संजीव बाल्यान जी का। और उन्होंने जिस प्रकार से, चूंकि ये भूमि मुजफ्फरनगर में है और यहाँ हमारा एक परिवार है, जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सीमाएं इसकी तय हो गई हैं कि यहाँ से इस सीमा से इधर को उत्तर प्रदेश होगा, उधर को उत्तराखंड होगा, ये सीमाओं का सीमांकन हो गया है, सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है, हमारे दिल मिले हुए हैं, हम हमेशा एक परिवार की तरह हैं। और ये जो अभी हमारी चर्चा हुई, तो राज्य की सरकार ने बहुत सारा जो ये स्थान है, इस स्थान को ठीक प्रकार से हम यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, उनका एक केंद्र हम यहाँ पर बनाएंगे, आज हमने तय किया है। इसके साथ साथ ये जो बरसी का जो कार्यक्रम है, चूँकि आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, उनकी भी जयंती होती है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किया था, देश के अंदर किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा काम उन्होंने किया था, तो निश्चित रूप से इस दिन को एक और भव्य तरीके से और जो है श्रद्धांजलि हमारी एक बड़े रूप में यहाँ पर मनाई जाए, उसके लिए हमारे भाई संजीव जी ने, संजीव बाल्यान जी ने अभी यहाँ पर कुछ योजना बनाई है। और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग वहाँ से आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ के लोकल के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सब लोगों का भी एक कार्यक्रम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि संजीव भाई और पूरी टीम, हमारे कपिल देव जी पहले से भी आते होंगे, लेकिन संजीव जी लगातार आज मुझे, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस श्रद्धांजलि समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जिन्होंने हंसते हंसते कहीं ना कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, अपने तमाम घर परिवार को छोड़कर वो आगे बढ़े। तो आप भी लगातार मेरे साथ आज तीसरे वर्ष यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए, तो आने वाले समय में हम इसको और
विस्तार पूर्वक इसको मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के जो सपने थे उसके अनुसार जो उन्होंने स्वप्न देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में अभी हमने 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में देने का निर्णय लिया था। कुछ एक थोड़ी सी उसमें एकाध पेज कुछ ऐसा रह गया था, वो प्रवर समिति को वो हमारा विधेयक गया हुआ है, जल्दी ही प्रवर समिति से वो पूरा हो जाएगा। विधानसभा में हम उसका विधेयक जल्दी ही बना देंगे। और साथ ही साथ हमारे ही कार्यकाल में जहां एक ओर आंदोलनकारियों की हमने पेंशन बढ़ाने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का भी हमने निर्णय लिया है। इसके साथ ही हम राज्य आंदोलनकारियों को, चूंकि थोड़ा पेंशन में भी पहले हमने 3100 से 4500 और 6000 की पेंशन की थी, उसको भी एक समान पेंशन देने की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। उद्योगों में जितने भी उद्योग धंधे हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थापित हैं उनमें राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता देने के लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की है, जिससे कि हमारे आंदोलनकारियों के और उनके परिवारों को उद्योग धंधों में भी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए है। और हम देवभूमि के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। मैं अपने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुकने वाले नहीं हैं। और प्रदेश को जो हित है वो हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। उसके लिए आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे जो कठिन भी थे, चुनौतीपूर्ण भी थे, बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, समर्थन से